सच्चाई तो ये थी, मैं जब जिंदगी से हताश निराश होकर घर से बाहर निकला तो मुझे पता नहीं था मैं जा कहाँ रहा हूँ, करूँगा क्या क्या नहीं करूँगा। लेकिन लाइफ में एक गोल था, हाँ आगे बढ़ना है। मैं ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ रहा था जिन्होंने मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर बना रखी है, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे साले। तभी मेरे दोस्त ने और एक वेबसाइट ने बताया वो लोग मिलते हैं या तो किसी शादी में या तो कोई फंक्शन होता है वहाँ पे, तभी उनका ये नंगा नाच स्टार्ट हो पाता है वहाँ पे। मैंने उस बंदे को देखा, भाई साहब उसकी कमर है या नागिन की चाल, साला इन्होंने सीखा कहाँ से। मेरा दिमाग खराब होने लगा था बहुत तेज। फिर मुझे समझ में आया ये तो सब बॉलीवुड की देन है। दिमाग काम नहीं कर रहा था साला, ये कर क्यों रहे हैं ये लोग, क्यों कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया कौन सी दुनिया से है। फिर मुझे समझ में आया, मैंने फिर से एक वेबसाइट चेक की, उस पर लिखा था कंपटीशन। साला फिर समझ में आया ये सब कंपटीशन के लिए। और फिर तो कंपटीशन में दीदी ने तो आगे बहुत तेज जंप मार दी, आप देखो दीदी को। मैं सोच रहा हूँ घर से बाहर जाऊँ, लॉकडाउन का टाइम है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ एक बार बाहर जाने के लिए। लेकिन दीदी ने ये गर्मी डांस सही से नहीं किया, ये कुत्ते मेरे मोहल्ले का जो कुत्ता है ना उसे बड़ा बुरा लगा भाई। कनेक्शन बड़ा खराब है यहाँ पे, पहले दीदी ने डांस करके दिखाया, फिर कुत्ते ने, फिर एक और दीदी कॉलेज वाली बोली कि नहीं भाई ये गलत है, ये सही नहीं है, मैं भी करके दिखाऊं गर्मी डांस। साला गर्मी डांस करना है तो फिर ठंड में जाओ। मैं कॉलेज से छूटा और घर को जाने लगा, तभी देखा कि अरे पुलिस वाले तो नागिन डांस भी करा रहे हैं। नागिन डांस वो भी ऐसा जिसमें वो अच्छे से नागिन मना मना के स्विंग स्विंग करवा रहे हैं, ठीक है ना। नागिन नागिन डांस नचना, मैं नागिन नागिन। ये बात मुझे अच्छी लगी, मेरे कुत्ता मिला मुझे रास्ते में जिसने पहले डांस किया था, वो बोला अरे भैया वो वहां पे तो सब गलत चल रहा है, नागिन डांस मैं दिखाता हूँ आपको क्या नागिन डांस होता। साले चूतिया बना रहे काम है इन लोगों के, तो चलो वो तो इतना अच्छा नागिन डांस कर रहा है कि उससे तो बेटर ही दिख रहा है वो। मैं इससे ज्यादा प्रेशर नहीं झेल सकता, मेरा दिमाग बहुत तेज फटने वाला है। चलो यार बाय, भूल गया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, सॉरी।